नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच ऑनलाइन क्लासेस के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लाई हूँ। आज का जो क्लास है आप सभी के डिमांड पर लाया गया है। आप सभी द्वारा कमेंट बॉक्स में बार बार यह पूछा जा रहा है कि मैडम कृपया ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताइए कि किस प्रकार हम लोगों के लिए उपयोगी है, क्या हम लोग प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूर्णतः ऑनलाइन क्लासेस पर डिपेंड हो सकते हैं या अन्य भी कोई विकल्प है। तो साथियों, इसी के क्रम में आज का यह क्लास आप सभी के बीच लाया गया है ताकि आप सभी का उज्जवल भविष्य हो सके। और जब तक आप सभी का उज्जवल भविष्य नहीं होगा, तब तक हमारे प्रदेश की दिशा और दशा कैसे आगे बढ़ेगा। हर घर में जब तक दीपक नहीं जलेगा आप सभी की खुशियों के माध्यम से, तब तक हमारे प्रदेश की मुस्कान कैसे आएगी। तो इसी के क्रम में आज आप सभी को इससे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को लाई हूँ। तो सबसे पहले साथियों देखिए, यदि आप ऑनलाइन क्लासेस को करते हैं तो अवश्य करिए, इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन आप अवश्य ही आधारभूत पुस्तकों का अध्ययन करेंगे ही करेंगे। आज जो तमाम प्रकार के कोचिंग संस्थाएं खुल चुकी हैं, तमाम प्रकार के ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं, वह आपको आधारभूत पुस्तकों के महत्वपूर्ण जो लाइन होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, वह प्रदान करते हैं। लेकिन जो परीक्षा आयोजित होता है, जी हाँ साथियों, लेकिन जो परीक्षा आयोजित होता है उसमें किसी को नहीं पता रहता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और यदि आप पूर्णतः ऑनलाइन क्लासेस पर डिपेंड हो, आप पूर्णतः कोचिंग पर डिपेंड हो, तो कहीं ना कहीं आपके सफलता में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा रहेगा। इसलिए आप सभी को यही कहना है कि यदि आप कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बस एक मार्ग आपको प्रदान करेगा, लेकिन आपके आधार को मजबूत आपको किताब ही प्रदान करेगा। जब तक आप अपने विषय से संबंधित, आप अपने प्रतियोगिता से संबंधित महत्वपूर्ण किताबों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक सफलता सुनिश्चित नहीं है। जी हाँ साथियों, जब तक आप अपने प्रतिस्पर्धी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे। इसी के क्रम में मेरे द्वारा आप सभी के बीच मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है कि इस परीक्षा में यदि आप भाग ले रहे हैं तो कौन कौन से पुस्तक का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि अभी हमारे साथियों को यह भी नहीं पता है कि वो समसामयिक का अध्ययन कैसे करें। कई हमारे युवा साथी हैं जो न्यूज़पेपर 4-5 प्रतिदिन पढ़ते हैं और उससे अपना लाइनिंग, अपने जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उसको एकत्रित करते हैं, लेकिन उनको अपना यह बहुमूल्य समय मात्र पेपर पढ़कर व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि जो मार्केट में महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं उनको भी अध्ययन करना चाहिए, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण आदि। क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण जो पत्रिका है उसमें ऑलरेडी सारे समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण जो जानकारियां होती है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही खास होती है, वो उसमें समायोजित किया जाता है। इसलिए आप गलत वे में ना जाएं। इस क्रम में मेरे द्वारा आप सभी को मार्गदर्शन का क्लास लाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई हमारे युवा साथियों को यह भी नहीं पता है कि वो प्रैक्टिस किस किताब से करे। जी हाँ साथी, कई हमारे युवाओं को यह नहीं पता है कि वह किस बुक से प्रैक्टिस करें ताकि अपने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं का अध्ययन कर सके। इसी के क्रम में आप सभी को पुनः मैं बताऊंगी कि जिस भी परीक्षा का आप अध्ययन कर रहे हैं, आप यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उसी परीक्षा से संबंधित जो पूर्व के जो क्वेश्चन उस परीक्षा से संबंधित आए उसका प्रैक्टिस करें। इससे दो फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप उस परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश को जानेंगे कि क्वेश्चन की क्या प्रकृति है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस परीक्षा में और क्या लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कई बार सारी परीक्षाओं में यह देखा गया है, चाहे वो बैंक पीओ का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आईएएस का हो, या पीसीएस का हो, या समीक्षा अधिकारी का, मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग पूर्व के रिपीटेड होते हैं। तो इससे आपका ये फायदा होगा कि यदि आप पूर्व के क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं तो आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, विषय का स्वरूप भी जान लेंगे कि इस विषय से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये जान जाएंगे कि आप इस परीक्षा को दे रहे हैं तो आपको किस किस पोर्शन को ज़्यादा कवरअप करना है। तो साथियों, आपको मैं दिशा निर्देश दे रही हूँ आपको अपने लक्ष्य को दिलाने के लिए। मैं आपको एक सड़क प्रदान कर रही हूँ जिस पर आप चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं किसी भी प्रकार से आप सभी को यह एक लंबा क्लास नहीं ले रही हूँ कि आप संविधान संशोधन प्रथम में ये लिखा है, द्वितीय में ये लिखा है, तृतीय में ये लिखा है, लेकिन मैं आप लोगों को मार्ग प्रदान कर रही हूँ कि आप इस रास्ते पर यदि जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों, अवश्य ही आप अपने समय का सदुपयोग करें। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो उसको एक मार्ग के रूप में प्राप्त करें, बस उस पर आप डिपेंड ना हो जाए। अवश्य ही आप आधारभूत पुस्तकों का अध्ययन करें,
क्योंकि बिना आधारभूत पुस्तकों के अध्ययन के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरे द्वारा आप सभी के बीच निबंध का क्लासेस भी हर वीकेंड पे लाया जा रहा है और पूरा उम्मीद है कि आगामी जो परीक्षा आयोजित होने वाला है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, PCS हो, IAS हो, उस परीक्षाओं में मेरे द्वारा जो आप लोगों को निबंध लिया जा रहा है बेहद उपयोगी होगा। और ख़ास बात है कि जो मैं निबंध का क्लासेज आप सभी को ले रही हूँ उससे संबंधित जो विषय सामग्री है वह मैं अपने टेलीग्राम चैनल सीमा गुप्ता UP सेक्रेटरीट लखनऊ में उपलब्ध करा रही हूँ, ताकि आप सभी देख सके कि निबंध कैसे लिखना है। आप सभी को पुनः बताना है कि निबंध तथ्यात्मक जानकारी के लिए नहीं पूछा जाता है। जी हाँ साथियों, निबंध तथ्यात्मक जानकारियों के लिए पूछा नहीं जाता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व परीक्षण के लिए पूछा जाता है, ताकि देखा जा सके कि क्या आप में क्षमता है एक प्रशासक बनने का, क्या आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं या समस्याओं को और उलझा सकते हैं, क्या आपके भीतर एक सकारात्मक दृष्टिकोण है कि आप कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आप अवश्य इस मार्गदर्शन को प्राप्त करें और यदि आप नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तो सफलता कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। जी हाँ साथियों, यदि आप नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तो ऐसी दुनिया में कोई शक्ति नहीं बनी है जो सफलता आपसे छीन सके। तो साथियों, अवश्य ही आप अपने अध्ययन को आगे बढ़ाइए। और जाते जाते पुनः मैं आप सभी को बताती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस यदि आप कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो आधारभूत पुस्तक है उसका आप अवश्य अध्ययन करें, और जो भी महत्वपूर्ण आपको पॉइंट लगे उस पर अवश्य ही आप टिक लगाइए। तो इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।